बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 कर रहे थे। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। ये हमने पीछे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में भी किए थे। एक्चुअली हमने ये लॉगरिथम फॉर्म दी गई है, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग ख़त्म हो जाता है और ये दो लोग अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। मसलन ये 3 है ना, 3 की यहाँ ऊपर पावर क्या 5 दी गई थी, यूँ समझ लें। चलो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ 5 आ जाएगा और एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, यानी ये एक्स और 5 अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे म्यूचुअल आपस में। तो 3 की पावर 5 जो है, इसको आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें 3 को, इज इक्वल टू एक्स, दैट इज़ 243। तो हम कह सकते हैं जी हमारे पास x का जो आंसर आ गया जी 243, दिस इज़ आवर आंसर। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न, इसको भी पहले क्या करेंगे जी, राइटिंग इन, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, 4 वैसे का वैसे, ये दो वैल्यूज़ रिप्लेस होंगी, यानी 256 की जगह पर x आ जाएगा और x की जगह पर कौन चला जाएगा, 256। अब हम देखते हैं कि जी 4 की पावर x है, तो 256 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4, क्योंकि 4 की पावर 4 जो है वो 256 के इक्वल होता है। अब बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी जी सेम, तो x इज इक्वल टू 4, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है जी थर्ड पार्ट, log 5 विद बेस 625 इज इक्वल टू 1/4x। इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। हम लिखेंगे जी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ये 625 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएंगे, यानी इसकी पावर आ जाएगी 1/4, ये एक्स इज इक्वल टू ये 5 इधर आ जाएगा। अब हम इस 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4, और ये बाहर जो 1/4 एक्स था वो वैसे का वैसे इज इक्वल टू 5। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर यहाँ बच गई, एक्स इज इक्वल टू यहाँ 5 था, कुछ भी ना हो तो यहाँ 5 की पावर 1 होती है। अब बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी सेम हो जाएंगे, यानी पावर्स भी सेम हो जाएंगे, यानी यूँ कह सकते हैं 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, जो कि हमने फाइंड आउट करना था, विच इज़ आवर आंसर। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी राइटिंग इन, पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो हम ये 64 वैसे लिखेंगे, ये दो वैल्यूज आपस में अपनी जगह चेंज करेंगी, तो ये बन जाएगा -2/3 और इधर हो जाएगा जी x। अब हम 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, क्योंकि 64 होता है जी 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 64 × 64, तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर इसको 3। तो ये ऊपर जो पावर थी -2/3 वो वैसे की वैसे इज इक्वल टू x। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर बच गई जी -2, दैट इज इक्वल टू x। अब ये जो पावर -2, अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये नीचे जाकर डिनोमिनेटर में ये प्लस हो जाएगी। अब 1 की पावर जो है, 4 की पावर जो 2 है, या 4 का जो स्क्वायर है वो 16 के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज़ x इज इक्वल टू 1/16, ये हमारा आंसर है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x। log x इज इक्वल टू 2.4543 वैल्यू दी गई है, यानी ये log x की वैल्यू दी गई है, और हमें कहा गया x फाइंड आउट करें। x यहाँ इन्वॉल्व है log के साथ, log ख़त्म करना, log ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप इसका एंटी log लें। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का आप क्या ले लें जी, एंटी लॉग ले लें। यहाँ लिखेंगे जी एंटी लॉग किसका, ऑफ लॉग ऑफ एक्स का, इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.4543। एक्स लॉग से एंटी लॉग कट गया, यहाँ सिर्फ एक्स बच गया, इसकी वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से ले लें। कैलकुलेटर से एंटी लॉग की वैल्यू लेना इंतहाई आसान है, देख लें तरीकाकार, शिफ्ट दबाएं, लॉग का बटन दबाएं, वही वैल्यू जो है 2.4543 लिखें और इज इक्वल टू प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 2
84.64, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह अगले पास हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें भी हमने एंटी लॉग लेना है, तो हम लिखेंगे जी टेकिंग, ये सारे एक ही पैटर्न के, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1821। लॉग से एंटी लॉग कट गया x। अब इसकी आपने उसी तरीके से एंटी लॉग लेना, क्या तरीका कार है कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटी लॉग लेने का, शिफ्ट लॉग दबाएं फिर 0.1821 और इज इक्वल टू प्रेस कर दें, तो ये आ गया जी 1.5208, दैट इज़ आवर आंसर। सिमिलरली इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, इसका भी लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों की साइड पे जो है एंटी लॉग ले लें जी, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0044। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, इसका जो है आप कैलकुलेटर की मदद से एंटी लॉग ले लें, कैसे, शिफ्ट लॉग 0.0044, तो कितना आ गया जी ये 1.010, दैट इज़ वैल्यू ऑफ x, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह ये है फोर्थ वाला जी, फोर्थ वन में जी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का जी एंटी लॉग ले लें, क्या आ जाएगा जी एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.6238 जी। अब यहाँ पे जो है जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो है इसकी आती है, एंटी लॉग की वैल्यू ले लें जी, शिफ्ट लॉग, हाँ जी 4206। अब यहाँ इशू है कि भी वहाँ तो जो था हमारे पास उसका जो करेक्टर था वो हम उसको उसके साथ कैलकुलेटर में डायरेक्ट करके दे देता था, जब बार में आए तो फिर आपने इसको मैनुअल लगाना है। मैनुअल लगाने का मतलब ये है कि 1 बार जो इसका करेक्टर, इसका मतलब है कि भी 10 लगा कर उसके बाद ये पॉइंट हमें लगाना है, तो ये वाला हमारे पास आ गया जी 0.04206, दैट इज़ द आंसर ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ लॉग 2 इज इक्वल टू 0.3010 की वैल्यू दी गई है, लॉग 3 की वैल्यू दी गई है, लॉग 5 की वैल्यू गिवन है हमें, ये पेपर में भी आपको गिवन होगी, तो कहता आप लॉग 45 फाइंड आउट करें, तो हम यहाँ 45 के पहले जो है एलसीएम ले लेंगे यानी फैक्टर बना लेंगे, देखें ज़रा 3 पे ये 15, अगेन 3 पे ये 5, अगेन 5 पे ये 1, तो वी कैन राइट एज लॉग 3 × 3 × 5, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि लॉग 3, ये पेयर बन गया ना स्क्वायर इनटू 5। अब लॉग का रूल अप्लाई कर दें जी, लॉग 3² + log कितना आ गया जी 5, ये पावर है, पावर कम फर्स्ट, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 log of 3 + log 5। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, लॉग 3 की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है जी 0.4771, प्लस लॉग 5 की वैल्यू भी हमें गिवन है, क्या है जी 0.6990। अब आगे काम जो है कैलकुलेटर का है, वेरी सिंपल, तो आप इसको जो है 2 × 0.4771 + 0.6990, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1.6532, दैट इज़ आंसर। सिमिलरली ऑन दिस पैटर्न ये भी ऐसे ही है, यहाँ हम लिखते हैं जी लॉग 16, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, लॉग 16 माइनस लॉग 15 लिख सकते हैं, अब 16 के आप पेयर बना लें जी 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 1। सिमिलरली 15 के भी आप बना लें जी 3, 5 and 1, तो हम लिख सकते हैं अब लॉग 2 × 2 × 2 1, 2, 3, 4, यानी माइनस लॉग इसको लिख सकते हैं 3/5। अब
इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस लॉग, ये वाला जो है अगर आप इसको यहाँ ब्रैकेट लगा लें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लॉग 3 प्लस लॉग 5 इसको लिखा जा सकता है। अब ये पावर जो है कम फर्स्ट यानी 4 लॉग 2, ब्रैकेट हटा दें तो ये माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 5। अब वैल्यूज़ पुट करें, लॉग 2 की वैल्यू क्या है जी 0.3010, माइनस लॉग 3 कितना है जी 0.4771, माइनस लॉग 5 कितना है जी 0.6990। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी विल कैलकुलेट इट, दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0279। थर्ड पार्ट है लॉग 0.048, इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है डेसिमल ख़त्म करेंगे, हम लिख सकते हैं क्या जी लॉग, ये जो है हमारे पास 0.48 था, हम ऐसा करते हैं ना पॉइंट की जगह पे 1 लगा देंगे, बाकी जितने डिजिट हैं उतने जीरोस लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन गया जी लॉग 48/1000। तो इसके ऊपर लॉग का जब रूल लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्या लॉग 48 माइनस लॉग 1000। अब इसके आप पेयर बना लें, 48 के क्या बनेंगे जी एलसीएम लें जी इसका, ये 24 अगेन 2 पे ये 12 अगेन 2 पे ये 6 अगेन 2 पे ये 3 और अगेन 3 पे ये 1। इसी तरह जो 1000 है उसको भी हम लिख सकते हैं जी 2 पे किया तो ये 500 अगेन 2 पे 250 अगेन 2 पे 125, फिर 5 पे करें जी तो ये 25 अगेन 5 पे तो ये 5 अगेन ये 5। तो हम लिख सकते हैं जी ये लॉग को यहाँ लॉग, ये देखें 1 2 3 4, ये 4 जो हैं 2s आ गए हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस लॉग, यहाँ देखें 1 2 3 कितनी मरतबा आ गया 2 3 टाइम्स, तो हम इसको 2 की पावर 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 5 कितनी मरतबा है ये भी 1 2 3, तो 5 की पावर भी 3 लिख सकते हैं। नाउ अब हम इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई कर दें, वो क्या हो जाएगा जी लॉग 2 की पावर 4 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस लॉग 3 माइनस, इसी तरह ये लॉग 2 की पावर कितना हो जाएगा जी 3, क्योंकि अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर बाहर माइनस, आप बेहतर ब्रैकेट लगा लें, पहले आप इसको प्लस वाले को सॉल्व कर लें, तो ये मल्टीप्लाई है इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस लॉग 5 की पावर 3। अब पावर कम फर्स्ट 4 पहले आ जाएगा जी लॉग 2 प्लस लॉग 3 माइनस, अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, पावर पहले सॉल्व कर लें, लॉग 2 हो जाएगी, पावर 3 थी पहले आ गई, तो यहाँ पर भी लॉग की पावर है तो वो पहले आ जाएगी 3 लॉग 5। अब अगले स्टेप में हम कर सकते हैं जी 4 लॉग 2 प्लस लॉग 3, अब ब्रैकेट हटाएं जी माइनस 3 लॉग 2 प्लस माइनस माइनस 3 लॉग 5, ये वैल्यूज आ गई। अब हम इनकी जगह पर ये लॉग 2 लॉग 3 और फिर जो है लॉग 2 इनकी वैल्यूज पुट कर लें, अगर हम इसको सिंपलीफाई भी करना चाहते हैं कि ये 4 लॉग 2 है ये माइनस 3 लॉग 2 है, इस वैल्यू में से अगर आप इस वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारे पास कोफिशेंट देखें ये 4 है ये 3 है तो 1 लॉग भी बचेगा, इस तरह भी कर सकते हैं लेकिन आप वैल्यूज ही पुट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ लाके पुट करते हैं जी, 4 था जी लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 कितना होता है जी 0.3010 प्लस लॉग 3 तो ये आ गया जी 0.4771, फिर जी माइनस 3 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू क्या थी अगेन 0.3010 एंड माइनस 3 लॉग था 5 और लॉग 5 की वैल्यू क्या जी 0.6990। इस सारे को जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है जी, अब देखिए जी इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सारे को सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास ये आ गया, ये भी आपका आंसर है।
लेकिन बुक में जो आपका आंसर है कुछ और अंदाज से दिया, अगर आपने यहाँ तक कर लें तो भी आपका ठीक है, अगर आप बुक के मुताबिक आंसर लाना चाहते हैं तो एक्चुअली हम इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से माइनस टू और प्लस टू, टू सब्ट्रैक्ट भी कर दें, टू ऐड भी कर दें, और बाकी ये वैल्यू वैसे की वैसे 1.3189। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस टू वैसे रह जाएगा, इस टू में से जब इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 0.6811। तो अगर हम इनको फिर इसमें इसको ऐड करें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2.6811, और इसको ये नेगेटिव जो है इसके ऊपर हम बार की सूरत में लिख देंगे। अब ये आपका आंसर बिल्कुल बुक के मुताबिक हो गया।